चाहिए तो बैठ सकता है, जिसको बैठना चाहिए बैठिए। हमें पूर्ण विश्वास है इस रोटी में उपस्थित प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है, और उस प्रभु अनंत मतलब जो शुरू से हुआ था और अंत तक अल्फा और ओमेगा है। सोचो हमारे घर में नहीं तो हमारे वाड़ी में एक पत्थर पड़ा है, एक पत्थर, और सूरज का रोशनी से, सूरज का रोशनी में पड़ा हुआ जो पत्थर को कुछ देर इसमें क्या हो जाता है, वो पत्थर कुछ देरी सूरज का रोशनी में वो पत्थर पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो पत्थर गर्म हो जाता है ना, समझ में। सूरज का रोशनी वो पत्थर पर आके वो पत्थर गर्म हो जाता है, पत्थर कुछ नहीं करता है, पत्थर वैसे ही पड़ा है। कुछ देरी से सूरज का रोशनी द्वारा वो पत्थर गर्म हो जाता है, वैसा ही हम लोग सोचना चाहिए। ये प्रभु ईश्वर हजारों सूरज से भी ज्यादा उजाला है, आत्मिक उजाला है। उस रोशनी और उस प्रकाश के सामने हम कुछ नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, चाहे जो करना है करिए, ऐसा करके एक पत्थर जैसा हम बैठेगा तो भी क्या होगा, अभी प्रभु का रोशनी, प्रभु का पवित्रता हमारे अंदर में आकर कार्य करेगा और हम सबों को पवित्र बनाएगा। यही है प्रभु का आराधना। जब भी प्रभु को आराधना करते वक्त पहले हम लोग पूर्ण प्रभु को समर्पण करते हुए कहें, प्रभु तू सर्वशक्तिमान परम पावन पवित्र 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 परमेश्वर, और प्रभु स्वयं उनका पवित्रता हमारे हृदय पर, हमारा जीवन पर, हमारा मन पर,
हमारा तन पर सब बरसाते हुए हमें पवित्र करेगा। तो कुछ देरी वैसा ही आप बैठिए उस महान प्रभु के सामने, प्रभु हमें बुलाया है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1:8 में लिखा है, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 1:8 में लिखा है, जो है, जो था और जो आने वाला है। कौन है प्रभु? जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं। वही है ये प्रभु, मैं हूं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सर्वशक्तिमान प्रभु। सब लोग बोलिए, जो है, जो था और जो आने वाला है। कितना महान है। हम लोग हमारे सिरो मलबार पवित्र मिसा बलिदान पर जो गीत गाते हैं, पुनरुत्थान गीत, कैन यू सिंग दैट, पुनरुत्थान गीत, आप सबों को मालूम होगा वो पुनरुत्थान गीत हम अभी गाते हुए। वो गीत में जो सच्चाई है, थोड़ा मनन करके गाइए। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं सब मिलकर, यीशु मसीह सबके प्रभु जी, जय गान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं यीशु मसीह सबके प्रभु जी, जय गान गाते सा। इस पर ध्यान दीजिए, तू ही देता है, देता है तन को पुनर्जीवन। उसका मतलब क्या है? हमारे शरीर को पुनरुत्थान देने वाला है। कब देगा ये पुनरुत्थान?
जब प्रभु यीशु दोबारा आते वक्त, अभी प्रभु यीशु शरीर धारण किया, हमारा शरीर को उनका शरीर पर लिया, उन्होंने पुनरुत्थान किया तो हम भी पुनरुत्थान हुआ है। और हमको लेकर ईश्वर पिता के पास प्रभु हमारे आत्मा को, हमारा जीवन को स्वर्ग में ले चला। यही हमारा अवस्था है अभी। मतलब पवित्र त्रिएक ईश्वर पर अभी कौन कौन है, कौन कौन है त्रिएक ईश्वर में, कौन कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और वो पुत्र मनुष्य हो गया, इमैनुएल बना, तो त्रिएक ईश्वर के साथ कौन आ गया? हम लोग भी आ गया। ये क्या आप विश्वास कर सकते हैं क्या? हम लोग कहाँ हैं अभी? प्रभु के साथ। तो त्रियोग ईश्वर में कौन कौन है? पिता, पुत्र और हम लोग। पुत्र के साथ हम लोग जुड़ा हुआ है और पवित्र आत्मा। ये विश्वास है क्या? ईश्वर इम्मानुएल बना, हम पापी उसका बेटा बना। तो इम्मानुएल बन गया मतलब ईश्वर हम सबों को अपने साथ ले लिया। तो पवित्र त्रियोग ईश्वर अभी हमारे साथ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें विश्वास करना चाहिए जो था, जो है, जो था और जो आने वाला। कौन है यहाँ पर उपस्थित? प्रभु। ये प्रभु है, आने वाला है। समझ में आया? ये प्रभु आने वाला है, लेकिन वो प्रभु अभी हमारे साथ है। जब वो आने वाला है, जब आते वक्त वो क्या करेगा? आते वक्त क्या करेगा? तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। मतलब जब प्रभु दोबारा आते वक्त, जो समस्त संसार के लोग जो मर गए हैं, जो मिट्टी में मिल गए हैं, वो सब जी उड़ेगा। क्या ये आप विश्वास करते हैं? है ना? वही हमारा विश्वास मंत्र का अग्रि में हम बोलते हैं, आई बिलीव इन द रिजरेक्शन ऑफ माई बॉडी एंड लाइफ एवर लास्ट। मैं शरीर की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता है। लेकिन ये हम उतना गहराई से सोचता नहीं। इस शरीर की पुनरुत्थान मतलब क्या होता है, इतना गहराई से सोचता नहीं। संसार का अंत हम लोग सोचता है कि संसार का अंत मतलब संसार पूरा गिर जाएगा। ऐसा नहीं, संसार पूरा नवीनीकरण होगा, समस्त मानव नवीनीकरण होगा, उसके साथ पृथ्वी नवीनीकरण होगा। वही मतलब है। तो इसीलिए उसका एक नमूना दिखाया। कैसे दिखाया? एक नमूना लासरस का घर में। लासर प्रभु यीशु का एक खास दोस्त था, बचपन से उन लोग दोस्ती में था। प्रभु यीशु जब 12 साल पर जेरूशलेम जाता वक्त उन लोगों के घर में रहता था। मार्था, मरियम, लासरस उन लोग
खेलते हुए बढ़ाया। उतना खास दोस्त था तो प्रभु ने सोचा लोगों को ये बात सिखाना चाहिए कि मैं सिर्फ चंगाई देने वाला नहीं, उससे अधिक है। अंतिम दिन का पुनरुत्थान के बारे में थोड़ा सा सिखाना चाहिए। तो लाजर को उसके लिए एक नमूना करके बनाया, लाजर को बीमारी दिया। लाजर जब बीमार हो गया तो लाजर का बहन लोग खबर भेजा, इतना ही बोलो तुम जिसको प्यार करता है वो बीमार है। लेकिन प्रभु यीशु नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसका प्लान दूसरा है। उसके बाद लाजरस मर गया, तब भी नहीं आया। 3 दिन तक उन लोग जो दफनाया शरीर के पास जाकर उसमें पवित्र क्या कुछ करता है, 4 दिन होने से फिर नहीं करेगा, क्योंकि 4 दिन होने से शरीर क्या बोलेगा, बिगल जाता है। तब प्रभु आ गया। जब प्रभु यीशु आया तब मार्था मरियम रो रो के बोलने लगा, आप क्या किया, आप इधर होता तो हमारा भाई नहीं मरता था। तब प्रभु ने कहा, तुम्हारा भाई पुनर्जीवित होगा। हाँ, वो तो हम लोग जानता है अंतिम दिन का पुनरुत्थान पर वो उसका पुनरुत्थान होगा। देखो वो तो इतना बड़ा विश्वास है ना, अंतिम दिन का पुनरुत्थान पर वो जी उठेगा, हम जानते हैं। तब प्रभु ने क्या कहा, सब लोग बोलिए, तब प्रभु ने क्या कहा, मैं ही हूं पुनरुत्थान और जीवन। क्या कहा, सब लोग दोहराइए, मैं ही हूं पुनरुत्थान और जीवन। मैं हूं पुनरुत्थान। अगर तुम विश्वास करता है तो अभी पुनरुत्थान तुम देख सकेगी। अभी अंतिम दिन मिलने वाला पुनरुत्थान का नमूना अभी तुमको मैं दिखाऊंगा। हमारा विश्वास यह है, इसलिए हमारी मिसा बलिदान का खास मकसद ये है कि शुरू से हम ये बात सोचता है कि तू ही देता है तन को पुनर्जीवन। सब लोग, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन। तो हम विश्वास करना चाहिए अंतिम दिन में पुनरुत्थान देने वाला प्रभु ही है, अभी हमारे साथ निवास करता है, वही प्रभु है इस मिसा बलिदान पर हम लोगों को खाने पीने के लिए देता है। जो मेरा शरीर खाएगा, जो मेरा रक्त पिएगा, उसमें मैं हूं और वो मुझ में हूं। मतलब अंतिम दिन पर देने वाला पुनरुत्थान को अभी हम अनुभव कर सकता है, यही हमारा विश्वास है। इससे नीचे हम कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। समझ में आया? इसलिए प्रकाशन ग्रंथ में लिखा है,
जो है, सब लोग बोलिए, जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं हूं। तो प्रभु को कोई समय नहीं है, प्रभु जो जो है मतलब अभी, वही प्रभु जो था, कब था, जो संसार का शुरुआत पर था और आने वाला संसार का अंत, वो एक ही प्रभु है। ये ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा का आशीष होना चाहिए। और वो प्रभु हर दिल में, हर आत्मा में निवास है, वैसा ही जो प्रभु। इसलिए रोज हम मिसा बलिदान का शुरू में ही यही गीत गाते हुए प्रभु को प्रणाम करते हैं, प्रभु को आराधना करते हैं। और हम लोग मिसा बलिदान का एक एक घटना पर याद करेगा तो वो प्रभु है और जो था और आने वाला वही है, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु में मैं विश्वास करता हूं बोलने से कौन है वो प्रभु, क्या उनका शक्ति है? उनका शक्ति क्या है सोचिए। अंतिम दिन भर समस्त संसार के लोग जो मर चुका है वो सब जी उठकर पुनरुद्धित शरीर के साथ, महत्वीकृत आत्मा के साथ, प्रभु के साथ जिएगा। क्या आप उसके साथ होगा क्या? हम लोग सब प्रभु के साथ होगा क्या? क्या कुछ नहीं बोलता है? जरूर होगा। हम लोग सब हमारे पुनरुद्धित शरीर के साथ, जैसा अभी माता मरियम स्वर्ग में शरीर के साथ है, वही हम जाने के पहले माता मरियम गया शरीर के साथ। हमें विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास मंत्र में जो पहले का पिता में विश्वास करना है, पुत्र, पुत्र का पुनरुत्थान, वो सब विश्वास करने के लिए बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारा लोग देखा है पुनरुद्धित प्रभु को, है ना। लेकिन विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल क्या है, आने वाला प्रभु जब आने वाला है तब कैसे आएगा, तब क्या होगा? लेकिन वो विश्वास है जो आने वाला प्रभु आएगा और सबों का जीवन को पुनरुत्थान देगा और हम सब उनके साथ पुनरुद्धित शरीर के साथ उनके साथ जिएंगे। अभी हम पवित्र आत्मा का एक गीत गाते हुए एक कृपा मांगिए। ये विस्मरणीय, ये जो अनोखी बात, हमें विश्वास करना चाहिए, तब हमारा विश्वास पूर्ण हो जाता है। और हमारे हृदय पर प्रभु का शक्ति बहने लगेगी। हमारा गीत गाएंगे, हमारा गीत है, हमारा गीत, हमारा गीत कौन सा है? वो आत्मा
पावनात्मा अंदर। अब ये गीत गाते वक्त उसका एक एक स्टेप में आप याद करो, वो सब सचमुच में आप अभी अनुभव अवस्था में है। आइए खड़े हो जाइए और हमें गीत गाते हुए प्रभु से आशीष मांगेंगे कि हमें इसमें जो कुछ भी प्रभु ने कहा वो सब कुछ हमारे जीवन पर अभी मिलना चाहिए अभी होना चाहिए। चला ला 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 स्वर्ग का राज है चली,
गलियां में परमात्मा ओ आत्मा पावन आत्मा अंतरियां में परमात्मा भरा प्रेम से मन मेरा पवित्र आत्मा जब मुझ में बहा सब लोग भरा प्रेम से मन मेरा पवित्र आत्मा मेरे आत्मा से मिलकर मैंने पुकारा आहा पिता ओ आत्मा परमात्मा अंतरिया में परमात्मा ओ आत्मा परमात्मा अंतरिया सब लोग ऊंची आवाज से स्तुति कीजिए हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद मुंह भूल कर ऊंची आवाज से हालेलुया 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 बजाते हुए मेरे साथ मेरे पीछे दबराइए हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तू मेरा मुक्ति दाता है 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 तू मेरा रक्षक है तू मेरा रक्षक है तू मेरा पालनहार है तू मेरा पालनहार है हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तू संसार का ज्योति है संसार का भक्ति है संसार का ज्योति है ज्योति है यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु तू ही पुनरुत्थान और जीवन है तू ही पुनरुत्थान और जीवन है हे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु तू ही पुनरुत्थान और जीवन है तू ही पुनरुत्थान और जीवन हे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु तू ही सत्य है तू ही सत्य है हे प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु तू ही मार्ग है तू ही मार्ग है तू ही जीवन है तू ही जीवन है तू मेरा जीवन है तू मेरा जीवन तू मेरा मार्ग है तू मेरा मार्ग है तू मेरा रोटी है तू मेरा मुक्ति है तू मेरा रोटी है तू मेरी रोटी तू मेरा मुक्ति है तू मेरा मुक्ति है तू मेरा शक्ति है तू मेरी शक्ति है तू मेरा सच्चाई है
तू मेरा जीवन है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा जीवन दाता है, तू मेरा जीवन दाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ में भर जाइए, मुझ में भर जाइए, ज्ञान दीजिए, दीजिए ज्ञान, दीजिए ज्ञान, दीजिए शक्ति, दीजिए शक्ति, दीजिए मुझे प्रेम से भर दीजिए, प्रेम से भर दीजिए, मुझे शांति से भर दीजिए, शांति से भर दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, सुसमाचार का घोषणा करने का वरदान दीजिए, समाचार की घोषणा करने का वरदान दीजिए, पवित्रता दीजिए, पवित्र कर दीजिए, मुझे पवित्र बनाइए, मुझे पवित्र बनाइए, मुझे पवित्र बनाइए, पवित्र बनाइए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। अभी आप लोग दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ आमने सामने आइए, एक दूसरे के साथ और प्रार्थना करेंगे। दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ, वो बच्चा को छोड़ दो, बच्चा को साथ में ऐसे रखने दो, दूसरा एक नहीं तो तीन साथ में आइए और एक व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे के सिर पर हाथ लगाते हुए प्रार्थना कीजिए, आमने सामने खड़े होकर दो बार प्रार्थना करेगा। नहीं नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, अभी एक व्यक्ति दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति करेगा। अच्छा आइए प्रार्थना कीजिए। या येशु की स्तुति हो, येशु को धन्यवाद। हे प्रभु इन्हें आशीष दीजिए, प्रभु हे पवित्र आत्मा इनमें आप लोग प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु येशु इन्हें आशीष दीजिए, प्रभु इन्हें आशीष दीजिए, प्रभु इन्हें चंगाई दीजिए, प्रभु इन पर पवित्र आत्मा से भर दीजिए, प्रभु हे प्रभु येशु, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे अब्बा पिता पवित्र आत्मा, हे प्रभु आशीष दीजिए पवित्र आत्मा, इन्हें आशीष दीजिए, इन्हें चंगाई दीजिए, इन्हें पवित्रता दीजिए। वरदान से भर दीजिए, सब वरदानों से भर दीजिए प्रभु, सब वरदानों से भर दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा के सब वरदानों से भर दीजिए। आ हो प्रभु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शर बल 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 बल। अभी दूसरा, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाल बल 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 बल, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, वरदानों से भर दीजिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आइए, पवित्र आत्मा इन्हें भर दीजिए, हमें निवास पवित्र आत्मा, हमें चंगाई दीजिए, हमें निवास पवित्र आत्मा, हमें आशीष दीजिए। शाल बल 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 बल। आइए अभी हम ईश्वर का प्रभु का आशीष के लिए घुटने टेक कर आशीष के लिए हम आशीष पाने के लिए तैयार हो जाइए। दिव्यश्वरी से अनमोल
के पापों के घावों से तू मानव को मुक्ति प्रदान की सकली दिव्य कृपा से सब लोग ऊंची आवाज से बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की हमारे मुक्ति दादा की संसार के मुक्ति दादा की हालेलुया 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 तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद Praise the Lord.